नमस्कार दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है क्या, किन किन शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, किस तरीके से ये यूज़ होती है, चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो है इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, जैसे कि नाम से जाहिर है कि जो इसका मेन थ्रस्ट है वो है शिफ्टिंग द पेमेंट सिस्टम कैशियर जो कन्वेंशनल बैंकिंग में होता था, कैशियर टू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैशियर टू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इसका सारा रैशनल है और ये किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि हम सबको पता है कि एटीएम्स हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स हैं, तो ये जो कमेटी थी डॉक्टर सी रंगराजन के रिकमेंडेशन पे सेटअप हुई थी एटीएम्स के लिए भी। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि 1984 में इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग के लिए भी, 1988 में भी, 5 ईयर पीरियड वाली भी, और जो एटीएम्स के लिए भी थी वो भी डॉक्टर सी रंगराजन के ऊपर थी। तो इसमें जो ये था कि जो ये यूज़ ऑफ एटीएम्स था वो कस्टमर्स को प्रोवाइडेड विद एन एटीएम कार्ड, उसको एक एटीएम कार्ड दिया जाता था और एक यूनिक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको हम पिन कहते हैं। सभी को पता है अब पिन जो होता है एक तरीके का पासवर्ड होता है। तो एटीएम जो होते हैं इसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जो इन्फॉर्मेशन होल्ड करती है, जो उसमें ब्राउन कलर की पट्टी होती है, और अब इसमें नए एटीएम्स भी आ गए थे और इसके बाद ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स के साथ। सो जब कस्टमर को जब इनिशिएट करता है ट्रांजेक्शन, तो जो फर्स्ट जो होती है, जो मशीन जो होती है, वो पहले उसका अकाउंट नंबर वैलिडेट करती है और फिर उससे पिन पूछती है। तो पिन एंटर करने के बाद फिर वो उसके बाद मैग्नेटिक स्ट्रिप के साथ उसको मैच किया जाता है, और अगर करेक्ट एटीएम की मिल जाता है तो फिर आपकी पेमेंट आसानी से हो जाती है। आजकल सारे एटीएम्स जो हैं ये सारे ऑनलाइन भी हो गए हैं। तो इसमें ऑप्टिमाइजेशन जो होती है कॉस्ट की एटीएम बैंक्स की, इसको हम जैसे करते हैं कि एटीएम नेटवर्क्स, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है आपकी सावधान, विच वॉज फर्स्ट एटीएम नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड बाई इंडियन बैंक एसोसिएशन। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्वधन, SWADHAN, स्वधन जो है वो फर्स्ट एटीएम नेटवर्क था एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन। मैं एक बार और कह देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम के हिसाब से, स्वधन वॉज फर्स्ट एटीएम नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो इसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड जो होता है ये बैंक द्वारा इशू किया जाता है, और इसमें आपके बैंक जो होता है एक अकाउंट होता है, उसमें आपके क्रेडिट होता है कि आपको इतने, मतलब उसमें गिवन नंबर ऑफ डेज होते हैं कार्ड होल्डर्स के लिए। तो बैंक जनरली जो होता है वो आपके साथ एक एग्रीमेंट एंटर करता है कि जो कार्ड होल्डर है वो स्पेसिफिक कंडीशंस रिगार्डिंग पेमेंट, ये जो एग्रीमेंट है आपका पेमेंट के रिगार्डिंग होता है, चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट, और इसके बाद आपका रिकवरी एट्सेट्रा। तो जो कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, इसके जो डायमेंशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट है, 8.5 सेंटीमीटर बाय 5.5 सेंटीमीटर प्लास्टिक कार्ड। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्रेडिट कार्ड जो होता है 8.5 सेंटीमीटर बाय 5.5 सेंटीमीटर कार्ड जो होता है, इट वॉज द नेम एंड अकाउंट नंबर विज द कस्टमर एम्बॉस, और उसका जो अकाउंट नंबर और नाम होता है वो उस पर लिखा होता है। तो डेट अप टू कब तक वैलिड होती है ये गिवन ऑन द फेस ऑफ कार्ड पे, ये भी लिखा होता है कि वैलिड कब तक है। और जो बैक साइड होती है क्रेडिट कार्ड की, इसके पास जो पैनल था वो कस्टमर को अपने सिग्नेचर पुट करने होते हैं, तो सिग्नेचर जो रिक्वायर्ड होते हैं पैनल के, ताकि वो उसका मिसयूज हैंडलिंग ना हो जाए किसी और पर्सन से। और जो उसकी मैग्नेटिक इंक होती है वो आपका डेटा हेड को हाँ होल्ड करता है, आपका एटीएम का, मर्केंडाइज एस्टैब्लिशमेंट का और बैंक का। तो नॉर्मली जैसे आपकी इंफॉर्मेशन, अकाउंट नंबर, पिन एट्सेट्रा आपकी इसमें रिकॉर्डेड होती है। इसके बाद आता है आपका डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जो होता है ये आपका क्रेडिट कार्ड से थोड़ा सा अलग होता है, कि कस्टमर के पास अब यहाँ पर अपने फंड्स होते हैं वो, और इसको क्रेडिट अफोर्ड टू हिम बाय दी बैंक, तो बैंक उसे कोई क्रेडिट नहीं देता है, लेकिन वो उसका डेबिट कार्ड जो होता है वो उसकी का उसके अकाउंट में उसी के पैसे होते हैं और वो उन्हीं को खर्च करता है। तो जब भी वो इंटेंड करना चाहते हैं उसको यूज़ करने के लिए, तो उसको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाती है और उसके अकाउंट से पैसा जो है वो डेबिट हो जाता है। अब इसके बाद आता है आपका स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड जो होता है वो भी एक अनदर कार्ड की तरह ही लुक करता है, लेकिन इसमें एडिशनल इंटीग्रेटेड चिप होती है। तो इसमें एक एडिशनल इंटीग्रेटेड चिप होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। इसका जो प्रोसेसर होगा स्मार्ट कार्ड्स का, वो मोस्टली एडवांस कार्ड और आइडियली सूटेड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एप्लीकेशंस। तो जो स्मार्ट कार्ड्स हैं वो आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ होते हैं। तो इन कार्ड्स की होती है इनबिल्ट मेमोरी होती है, प्रोसेसर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद आपकी आती है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो होता है आपका, अ कस्टमर फॉर हिज बैंकिंग नीड्स डज नॉट नीड टू विजिट अ बैंक, ये इसका रैशनल है। और वो अपने जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो अपने एटीएम से भी कर सकता है, जैसे आपका आधार लिंक करवाना हो आप ऑनलाइन भी जाके कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, टेली बैंकिंग से कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो होता है, ये जो एक अम्ब्रेला टर्म यूज़ कर दी इन्होंने, उसको कहा गया इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो आगे स्टेप्स हैं किस तरीके से इसको किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ बैंकिंग जो है अगेन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
एनीवेयर बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब यह है कि कस्टमर जो है वो अपने ट्रांजैक्शन को कहीं भी कंप्लीट कर सकता है, कहीं से भी। एक इंटरनेट होना चाहिए उसके पास और एक एटीएम रिजल्टिंग इन एनीवेयर बैंकिंग, या एटीएम से भी कर सकता है वो। जैसे अब तो एटीएम में पैसे जमा कराने वाले भी हो गए हैं। तो बेसिकली जो आपका एनीवेयर बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये फ्यूचर है ये, और ये काफ़ी ज़्यादा इसमें एक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी आगे और चेंजेस आएंगे। और एनी टाइम बैंकिंग का मतलब है कि वो कभी भी गिवन एट एनी गिवन टाइम, तो ये 24 घंटे होता है ऑलमोस्ट आपका, कभी भी आप कर सकते हैं ट्रांसफ़र अमाउंट। इसके पास वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम उनके भी फुल फॉर्म भी देखेंगे। तो बेसिकली अगर हम इसके आगे और चलें तो इसमें होम बैंकिंग का एक कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट है, और ये दो तरह की होती है, इसको कॉरपोरेट और पर्सनल कहते हैं। तो जो लोग नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं वो जो अपना उनका लॉगिन होता है, एक पर्सनल लॉगिन होता है, एक कॉरपोरेट लॉगिन होता है, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो जो बैंक्स आपका जो ऑफरिंग करते हैं ये आपकी फैसिलिटी डोर स्टेप्स तक वैल्यूड कस्टमर्स की। तो कॉरपोरेट और हाई यील्ड वैल्यूड क्लाइंट्स उनको जो फैसिलिटी मिलती है, जैसे ऑर्डरिंग चेकबुक थ्रू इंटरनेट, एटीएम रेमिटेंसेस फैसिलिटी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर और टू मल्टीपल अकाउंट्स, ये उनको काफ़ी दिया जाता है। और टेली बैंकिंग की बात करते हैं तो इसमें वेरियस फंक्शंस जैसे बैलेंस इंक्वायरी है कंप्लीटेड थ्रू टेलीफोन से भी आपको आप पूछ सकते हैं। फंड ट्रांसफर फैसिलिटीज़ ऑलवेज अवेलेबल थ्रू फोन टेलीफोन पर, ये आपको यूज़ इसका कम होता जा रहा है। तो बैंक हैव टेलीफोन लाइन्स अट्रैक्टेड विद मॉडम विच आइडेंटिफाई द वॉइस एंड रिकॉर्ड्स इट एंड कम्प्लीट द ट्रांजेक्शन्स। तो उसके पास एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वो अपने आपके आपके जो वॉइस होती है उसको रिकॉर्ड करता है और कम्प्लीट कर देता है आपके ट्रांजेक्शन्स। चलिए हम इसके आगे देखते हैं। इन पे एक सेपरेट फीचर बन सकती है इनके हर एक के, जो ये मैं जो आपको टॉपिक बोलने वाला हूँ, जैसे स्विफ्ट हो गया, MICR हो गया, EFT हो गया, RTGS हो गया, इन सब पे एक सेपरेट फीचर बन सकती है। लेकिन आज हम इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे जो फ्यूचर में हम लेक्चर बनाएंगे। RTGS में बनाना भी चाहता हूँ, EFT वगैरह कैसे किया जाता है, इनके साथ क्या है, फिर UPI भीम इन सब पे मैं बनाऊंगा। तो EFT आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ECGS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको अच्छे से करना पड़ेगा, और MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, और आपका RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये बहुत यूज़ होता है और NEFT के साथ, और आपका VSAT वेरी स्मॉल अपार्चर टर्मिनल, और इसके साथ आपका स्विफ्ट बहुत यूज़ होता है। बल्कि आपने देखा भी होगा कि जो स्विफ्ट का जो था, जो नीरव मोदी का जो स्कैंडल हुआ था, जो नीरव मोदी के साथ जो PNB के साथ हुआ था, उसमें स्विफ्ट बहुत यूज़ हुआ था। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ये, तो इसको हम अलग से करेंगे, बड़ा लेक्चर है। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, और इसके बाद आता है आपका EFT POS, तो इसको हम कहते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल। बहुत डिटेल से करेंगे, इसमें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप इसको ऑपरेट करेंगे। जैसे कि अब जो है आपका आधार से भी पूछता है आपका अकाउंट नंबर, तो बैंकिंग इससे काफ़ी सहूलियत भरी हो जाएगी। और ये NEFT और RTGS सभी लोग करते हैं, अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी आपको समझने की बात है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हम आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।